Dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, definition part 2, I shall discuss definition of charitable institution, family, holding, and improvement. What is charitable institution? Section 4, subsection 7. Charitable institution means any establishment, undertaking, organization, or association formed for charitable purpose and includes specific endowment. So, charitable institution kya hai? Charitable purposes ke liye form kiya gaya koi bhi establishment, adhisthan, undertaking, upakram, organization, sangathan, ya association, sangh, aur iske antargat specific endowment bhi shamil hai. To paanch jo hai cheezon ko charitable purpose mana gaya hai, charitable institution mana gaya hai, jo चैरिटेबल पर्पजेज के लिए फार्म किए गए हैं. पांच पर्पजेज के लिए कौन कौन चैरिटेबल पर्पजेज के लिए फार्म्ड? नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट, नंबर 2 अंडरटेकिंग, नंबर 3 संघ, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, और इस जो है स्पेसिफाइड इंडाउमेंट, स्पेसिफिक इंडाउमेंट. परिवार क्या है? ये जो है सेक्शन 4 सब सेक्शन 10. ये जो है परिवार क्या है, इसको अभी 31 अगस्त 2020 को अमेंड करके इसमें थर्ड जेंडर को भी फैमिली में इंक्लूड किया गया है. तो फैमिली इन रिलेशन टू टेन्योर होल्डर मींस हिमसेल्फ आर हरसेल्फ एंड हिज वाइफ और हर थर्ड जेंडर स्पाउस हस्बैंड एज द केस मे बी, other than judicially separated wife or husband or third gender, minor sons and minor daughters other than married daughters, and third gender issue. So फैमिली में टेन्योर होल्डर के रिलेशन में टेन्योर होल्डर के संबंध में परिवार में क्या इंक्लूड है? स्वयं वह पुरुष या स्त्री है ना, मेल है तो उसकी वाइफ, मेल तो है ही है, फीमेल है तो फीमेल और उसका हस्बैंड, माइनर सन, माइनर डॉटर, एंड थर्ड जेंडर पति या पत्नी.
जो है टेन्योर होल्डर के रिलेशन में संबंध में परिवार में कौन कौन शामिल है? स्वयं वह पुरुष या स्त्री, स्वयं उसकी पत्नी या उसका पति, स्वयं वो माइनर सन या माइनर डॉटर, थर्ड जेंडर हस्बैंड और वाइफ, और यदि ट्रांसफरी माइनर है तो उसमें उसके मदर और फादर भी इंक्लूड होंगे। लेकिन कुछ लोग जो है शामिल नहीं है फैमिली में, जुडिशियली सेपरेटेड है वाइफ, जुडिशियली सेपरेटेड हस्बैंड, वयस्क पुत्र मेजर सन, मैरिड डॉटर और थर्ड जेंडर माइनर इश्यू, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। बात कुछ क्लियर हो गई? अब बात आती है कि होल्डिंग क्या है। सेक्शन 4 क्लास 12 बताया गया है, होल्डिंग मीन्स अ पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड अंडर वन टेन्योर और वन लीज, इंगेज आर ग्रांट। जोत का तात्पर्य एक खातेदारी, वन टेन्योर मीन्स पार्सल ऑफ लैंड, पार्सल ऑफ लैंड भूमि का कोई खंड, पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड अंडर, जो रखी गई है धारित की जा रही है, वन टेन्योर आर वन लीज, भू खातेदारी या वन लीज एक पट्टा या वन इंगेजमेंट या वन ग्रांट के अधीन जो रखा गया है वो कहलाएगा जोत या होल्डिंग। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट, सुधार। सेक्शन 4 क्लास 13, इसमें जो है इंप्रूवमेंट इन रिलेशन टू होल्डिंग, जोत के संबंध में क्या इंक्लूड है, मींस क्या अर्थ है, एनी वर्क विच एड्स मटेरियली टू द वैल्यू ऑफ द होल्डिंग। एनी वर्क, कोई भी वर्क जिससे जोत के संबंध में अभिवृद्धि होती है, मटेरियली टू द वैल्यू ऑफ द होल्डिंग, होल्डिंग की जो कीमत में वृद्धि होती है, जैसे खेत में कुआं बनवा दिया, ट्यूबवेल बनवा दिया, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ये इंप्रूवमेंट में आएगा। विच इज सुटेबल देयर टू एंड कंसिस्टेंट विद द पर्पज फॉर विच इज हेल्ड एंड विच इफ नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन द होल्डिंग इज आइदर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फॉर इट्स बेनिफिट और इज आफ्टर एग्जीक्यूशन मेड डायरेक्टली बेनिफिशियल टू इट एंड सब्जेक्ट टू द फोर गोइंग प्रोविजंस इंक्लूड्स। इसमें कहते हैं रेवेन्यू कोड की सेक्शन 4 सब सेक्शन 13 का मतलब यह है, किसी जोत के संबंध में अभिवृद्धि होती हो या उसके लिए उपयुक्त हो और उस प्रयोजन के सुसंगत हो जिस हेतु उसे रखा गया हो, और जो यदि जोत पर निष्पादित न किया जाए उसके लाभ के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से संपादित किया जाता हो या संपादन के पश्चात उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभप्रद बनाया जाता हो, और पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन उसके अंदर निम्नलिखित वर्क भी इंक्लूड है। 60 में आप ये समझ लीजिए
ऐसी जोत पर जो है, यदि कोई ऐसा वर किया गया किसी जोत पर जिससे उसके मूल्य में वृद्धि हुई हो, ठीक है, तो वो जो है इंप्रूवमेंट है। अब इसमें कुछ इंक्लूड क्या है, कृषि प्रयोजनों के लिए जल के भंडारण, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, वेल्स, वाटर चैनल्स, इंबार्कमेंट्स एंड अदर वर्क्स फॉर स्टोरेज, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, ये इंक्लूड है। कृषि प्रयोजनों के लिए जल के भंडारण, आपूर्ति या वितरण के लिए तालाबों, कुओं, जल प्रणालियों, तटबंधों का निर्माण और निकार, जिससे कहने का मतलब खेत में कुछ सुधार आए, है ना। मान लिया पानी भर जाता है तो आपने मेड़ ऊंची कर दी, वो भी उसी सुधार में आ जाएगा, है ना, कि बाहर से पानी ना पाए, बाहर ना आने पाए। सेकेंड, भूमि के जल निकास से हेतु या बाढ़ से या जल से भूमि के कटाव या अन्य क्षति से भूमि की रक्षा हेतु निर्माण कार्य, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क फॉर ड्रेनेज ऑफ लैंड और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड फ्रॉम फ्लड्स और फ्रॉम एरोजन और अदर डैमेज फ्रॉम वाटर, जो है बाढ़ से बचाने के लिए जल निकास हेतु आपने जो कुछ भी काम किया है वो भी सब इंक्लूड हो जाएगा, है ना। और कृषि प्रयोजनों के लिए जल के भंडारण के लिए, सप्लाई के लिए, वितरण के लिए, तालाब, कुआं, ट्यूबवेल जो भी बनवाया है आपने पानी रुकने के लिए, वो आ जाएगा। तीसरा जो है, द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड रिक्लेमिंग, क्लियरिंग, इनक्लोजिंग, लेवलिंग और ट्रेसिंग ऑफ लैंड, वृक्षारोपण करना, भूमि को कृषि योग्य बनाना, घेराबंदी करना, समतल अथवा सीढ़ीदार बनाना, ये भी सब आ जाएगा। जैसे वह खेत है उस हिसाब से, मान लिया बंजर पड़ा उसको कृषि योग्य बना दिया, उसमें मिट्टी भरवा दी, कुछ हो रहे हो तो पेड़ लगवा दिया, पेड़ से भी वैल्यू बढ़ेगी, बाउंड्री बनवा दी, बराबर खेत नहीं था बराबर करा दिया, जरूरत थी सीढ़ीदार बनाने के लिए सीढ़ीदार बना लिया, पानी न रुके जिससे, है ना। तो जैसा भी आपने उसमें कुछ सुधार हो रहा है ऐसा करने से, आबादी या नगरी क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जोत के आसपास जोत के सुविधाजनक या लाभप्रद उपयोग या कब्जे के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण करना, इस बीच में आ जाएगा। आबादी, द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन आर इन द विसिनिटी ऑफ द होल्डिंग एज वेयर देन इन एन आबादी आर अर्बन एरिया रिक्वायर्ड फॉर कन्वीनियंट आर प्रॉफिटेबल यूज आर ऑक्यूपेशन ऑफ द होल्डिंग। एंड लास्ट है, द रिन्यूअल आर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द फॉर गोइंग वर्क आर अल्टरेशन देयर इन आर एडिशन देयर टू, जो ऊपर हमने वर्क्स बताए हैं उनमें किसी भी वर्क को रिन्यू करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, आल्टर करना, एडिशन करना, सब जो है इसमें सुधार में इंक्लूड है। थैंक यू वेरी मच।